नमस्कार, जोहार, आदाब। क्लीन न्यूज संथाल परगना में आपका स्वागत है। सरकारी योजनाओं को दी गई जानकारी। विधिक सेवाएं सशक्तिकरण शिविर में ग्रामीण अपनी समस्याओं को रखकर उसे दूर कर सकते हैं। शिविर में लोगों को सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारियां भी प्रदान की जाएगी। उक्त बातें प्रधान जिला जज सत्य प्रकाश सिन्हा ने कही। वे शनिवार को पोड़ियाहार प्रखंड परिसर में आयोजित विधिक सेवाएं सशक्तिकरण शिविर के उद्घाटन के बाद ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान DC भोर सिंह यादव ने कहा कि आगामी 30 जनवरी 2021 से शिविर का आयोजन गोड्डा जिला के सभी प्रखंडों में किया जाएगा। इसमें अधिक से अधिक लाभुकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए प्रशासन की ओर से भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उन्होंने पोड़ियाहार प्रखंड में आए हुए ग्रामीणों को संबोधित किया गया। मेडिकल छात्रा पूजा भारती ने की थी आत्महत्या। हाथ पैर बंधे होने पर DIG ने कही यह बात। गोड्डा की रहने वाली मेडिकल छात्रा पूजा भारती ने आत्महत्या की थी। झारखंड के DIG AB होमकर ने प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। बताया कि छात्रा के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं मिले थे। पुलिस हर पहलू की जांच के बाद यह निष्कर्ष पर पहुंची है। पूजा भारती हजारीबाग मेडिकल कॉलेज की छात्रा थी। उसकी लाश रामगढ़ के पतरातू डैम में सुबह मिली थी। इस दौरान उसके दोनों हाथ और पैर रस्सी से बंधे हुए थे। खबर दुमका से। नेताजी के नारे में था सबको साथ लेकर चलने का संदेश। ग्रामीण इलाकों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर भाजपा समेत अन्य राजनीतिक व संगठन के लोगों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मसलिया में पूर्व समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर लुईस मरांडी ने ब्लॉक चौक पर स्थित नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित की। उन्होंने देश की आजादी में योगदान पर उनके प्रकाश डालते हुए कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जैसे नारा देकर देश के लोगों में जोश पैदा किया था। इस मंत्र के कारण ही पूरा देश एकजुट होकर उनके पीछे खड़ा था। भाजपा में अब किसान बनने की होड़। इसी सप्ताह घोषित होनी है कमेटी। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की तरह अब झारखंड में स्थानीय सरकार के खिलाफ किसानों को गोलबंद करेगी। इसके लिए सभी प्रमंडल में किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कहना है भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन कुमार साहू का। साहू ने बताया कि पार्टी ने उनकी तैयारी तेज कर दी है और कार्यकर्ताओं का प्रवास भी शुरू हो चुका है। धनबाद होते हुए यह स्वयं दुमका साहिबगंज का दौरा कर चुके हैं और जल्द ही हजारीबाग होते हुए दूसरा दौर करेंगे। किसान मोर्चा की घोषणा करने पर उन्हें कहा कि इसी सप्ताह मोर्चा को प्रदेश कार्य समिति व जिला अध्यक्ष के प्रभारियों और अन्य पदाधिकारियों की घोषणा की जाएगी। खबर पाकुड़ से। पाकुड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ेगी सुविधाएं, आलमगीर आलम ने कहा। झारखंड सरकार ग्रामीण क्षेत्र में सुविधाओं का विस्तार करेगी। सरकार के गठन के बाद जिस रफ्तार से विकास का काम होना चाहिए था वह नहीं हो सकता है। इसकी मुख्य वजह कोविड महामारी रही। राज्य में अब विकास की रफ्तार बढ़ी है। क्षेत्र में विकास के कई काम किए जा रहे हैं। धीरे धीरे लोगों की सभी आकांक्षाएं पूरी होगी। उक्त बातें ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने शनिवार को ग्रामीण क्षेत्र के दौरा के दौरान मनीरामपुर में कही। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम को संबोधित किया गया था। बेगूसराय ने बोलपुर को 2 सेटों में हराया। स्थानीय रेलवे मैदान में जिला वॉलीबॉल संघ ने शनिवार को आयोजित एक दिवसीय डे नाइट अंतर्राज्यीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता कराई। शुरुआत में मैत्री मैच पाकुड़ और भागलपुर के बीच खेला गया। उसमें पाकुड़ ने भागलपुर को 20-14 से हराया। पहला मैच बेगूसराय एवं बोलपुर के बीच हुआ। बेगूसराय ने 2 सेटों में बोलपुर को 24-22 व 20-13 से हरा कर अगले राउंड में प्रवेश किया। दूसरा मैच भागलपुर और वर्धमान के बीच खेला गया। भागलपुर ने वर्धमान को 20-13 व 21-19 से हराया। तीसरा मैच कोलकाता एवं बोलपुर के बीच खेला गया। इसमें बोलपुर ने कोलकाता को हराया। धनबाद एवं पाकुड़ के बीच हुए मैच में पाकुड़ की टीम ने 19-20, 19-17, 15-11 से धनबाद को पराजित कर अगले राउंड में प्रवेश किया। खबर साहिबगंज से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से संथाल परगना का करेंगे दौरा। बरहेट को देंगे 70 करोड़ का सौगात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार को यानी आज बरहेट हाई स्कूल के मैदान से कार्य योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। शनिवार को DDC प्रभात कुमार
रियाद ने एसडीओ पंकज कुमार साव, विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, अपर समाहर्ता अनुज कुमार प्रसाद आदि ने हाई स्कूल मैदान में पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज बरहेट के किताजोर में 70 करोड़ की लागत से बनने वाली ग्रिड का शिलान्यास करेंगे। बोरियो व बरहेट में नवनिर्मित जिला परिषद भवन का भी उद्घाटन करेंगे। खबर देवघर से। 24 गोल के साथ रांची पहले और 11 गोल प्राप्त कर देवघर दूसरे स्थान पर लहराया परचम। झारखंड राज्य राइफल निशानेबाज चैंपियनशिप में सूबे के 450 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसमें राजधानी रांची का दबदबा रहा, जिसमें 24 स्वर्ण पर कब्जा जमाया। मेजबान देवघर ने 11 स्वर्ण पदक झटका। जमशेदपुर 10 स्वर्ण पदक, धनबाद और हजारीबाग 6-6 स्वर्ण पदक लेकर प्रतियोगिता में चौथा स्थान प्राप्त किया है। शनिवार शाम इसकी घोषणा की गई। देवघर कॉलेज स्थित शूटिंग रेंज में आयोजित 3 दिवसीय 11वीं राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता का पदक वितरण समारोह रंगारंग किया गया। प्रतियोगिता में रांची 24 स्वर्ण पदक प्राप्त कर पहले स्थान पर रहा। पैसा वापस दिलाने के नाम पर कर रही है ठगी। देवघर व जामताड़ा के साइबर ठग पूरे देश में मशहूर हो चुके हैं। आए दिन लोगों को वे ठगी का शिकार बना रहे हैं। ठगी की घटना को अंजाम देने के लिए हर दिन नया हथकंडा अपना रहे हैं। कभी बैंक अधिकारी बनकर ठगी करते हैं, तो कभी मोबाइल कंपनी, पे फोन, पेटीएम व मोबाइल कंपनी का कस्टमर केयर प्रतिनिधि बनकर ठगी की घटना को अंजाम देते हैं। अब ठगी का शिकार हुए लोगों को पैसा वापस दिलाने के नाम पर उन्हें ठगी का शिकार बना रहे हैं। ये साइबर आरोपित पहले से ठगी के शिकार लोगों को फोन करते हैं, उन्हें पैसा वापस दिलाने के नाम पर अपने झांसा में ले लेते हैं, फिर उन्हें लीग भेजकर व ओटीपी की जानकारी देकर दोबारा उन्हें चुना लगा देते हैं। पर जामताड़ा से। जामताड़ा को साइबर क्राइम का गढ़ होने के कलंक से मुक्ति दिलाने में सहायक बनेगा सामुदायिक पुस्तकालय। देश के महान समाज सुधारक पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर की कर्मभूमि जामताड़ा। जामताड़ा ने कभी साइबर अपराध के लिए पूरे देश में सुर्खियां बटोरी, तब पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर की कर्मभूमि जामताड़ा का नारायणपुर कर्माटाड़ प्रखंड की पहचान बदलने की दिशा में राज्य सरकार ने कार्य करना आरंभ कर दिया है। यहाँ के लोगों ने भी इस बदलाव को स्वीकार किया है। जामताड़ा के बच्चे युवा अब डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंडियन इकोनॉमिक, इंडिया आफ्टर गांधी जैसे पुस्तकें अपने गांव में ही पढ़कर पंडित जी की विचारधारा के अनुरूप खुद को अग्रसर करने का प्रयास में जुट गए हैं। धन्यवाद। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।